हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मोज़िला की तरफ से आए ब्लूटूथ ईयरफोन की। गाइस ये ईयरफोन TWS यानी ट्रू वायरलेस स्टीरियो पे बेस्ड है। इसकी प्राइस वगैरह आपको सब कुछ वीडियो में आगे बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग को कर लेते हैं। जब आप बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज जो देखने को मिलती है वो है एक चार्जिंग केबल। गाइस ये काफी अच्छी क्वालिटी का चार्जिंग केबल आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आपका ईयरफोन का जो बॉक्स है वो चार्ज होगा। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पे दूसरी चीज मिलती है डॉक्यूमेंटेशन, जिसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें गाइस इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स दी गई है कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। वैसे काफी ज्यादा आसानी से यूज करना, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वैसे आपको इसकी प्राइस तो पता चल गई होगी। अगर आपको पता चल गई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसकी प्राइस कितनी है। अगर आपको नहीं पता चली तो चलिए मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर हमें एक येलो कलर का पेपर देखने को मिल जाता है, जिसमें गाइस लिखा हुआ है कि इस डिवाइस को यूज करने से पहले चार्ज जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हमें बॉक्स के अंदर हमारी मेन चीज मिलती है, जिसके अंदर हमारे गाइस ईयरफोन्स है। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन कर लेते और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको ईयरफोन्स मिलने वाले इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स को ओपन करते हैं हमें यहाँ पे दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते और आपको कुछ बॉक्स के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें कैसे चार्जिंग होगी और कहाँ कहाँ क्या फीचर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इन ईयरफोन्स को बॉक्स से निकाला तो यहाँ पे लाइटनिंग होने लगी है। तो चलिए अभी तो इसे फिलहाल साइड में रख लेते और आपको बॉक्स के बारे में कुछ बता देते हैं। गाइस ये देख सकते हैं हमारा बॉक्स है। इस बॉक्स में नीचे आपको एक बटन देखने को मिल जाता है, जिसको प्रेस करने से गाइस यहाँ पे लाइट जलने लगती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे अपना चार्जिंग पॉइंट मिलता है, जिससे हम इस बॉक्स को चार्ज कर सकते हैं, हमारे ईयरफोन्स चार्ज हो जाएंगे। इसके चार्जिंग टाइम की बात करूँ गाइस तो आप 40-50 मिनट चार्ज करेंगे तो आराम से ये 3-4 घंटे आराम से चल जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी लाइटनिंग होती है। अंधेरे में मैंने ये शॉट लिया है, आपको गाइस पसंद जरूर आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लाइटनिंग के लिए जो पॉइंट है वो है। इसके अलावा जो हमारे स्पीकर है वो भी है गाइस साइड में आप देख सकते हैं। दोस्तों ये अंडर 500 रुपीज में काफी अच्छा ब्लूटूथ ईयरफोन है, तो आपसे रिक्वेस्ट जरूर है इसे परचेज जरूर कर लीजिएगा। वैसे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही काफी कमाल के हैं, आपके इजिली कानों में फिट भी हो जाते हैं। मैं इसके कलर के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको केवल व्हाइट कलर ही नहीं बल्कि कई ऐसे 3-4 कलर है जो आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको जो भी पसंद होगा आप वो परचेज कर लीजिएगा। वैसे गाइस व्हाइट सबसे ज्यादा बेहतरीन लग रहा है इन कलरों में, तो आप व्हाइट ही परचेज करिए, मेरी आपसे सजेशन है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही काफी कमाल के थे। अब आइए आपको इसकी थोड़ी प्राइस बता देते हैं। प्राइस है गाइस इसकी 499 और ऑफर में ये कम ज्यादा थोड़ा हो सकता है, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कानों में अच्छे से फिट हो जाते हैं, इनकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है और गाइस ये देखने में भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप इसे परचेज जरूर कर लीजिएगा। वैसे गाइस इनकी ईयरफोन के अगर आप पहन के निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने कोई महंगा ईयरफोन ही पहना है। तो गाइस इसके लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाले आइकन को भी प्रेस करके जरूर रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.